हमें क्या करना है ये वाजे हो चुका है। जहां से मालूमात हासिल कर सकते हो करो, वही हमें अब्बास के कातिलों तक पहुंचाएंगे। अतरुल के बेटे उस्मान, मुझे पता है तुम यही पर और सुन रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि हाकिम को तुमने ही कत्ल किया है। आइकुल, हमारे पास गवाह है। दुंदार साहब की बेटी हमारे कब्जे में है। खुद को हमारे हवाले करने का एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें। उस बार अपने आप को हमारे हवाले करो, या फिर तुम्हारे बदले दुंदार साहब की बेटी की जान ली जाएगी। हमने उनको खबर भिजवा दी है, बहुत जल्द वो अपनी बेटी को लेने यहाँ आते ही होंगे। अगर खुद को हवाले नहीं किया, इसके साथ उनको भी कत्ल करेंगे। उस्मान से कहो खुद को हमारे हवाले करे। खड़ी हो। क्या बोल रही हो तुम? मेरे आका रुक जाए, जिस बात से काम लेने का वक्त नहीं। आप सोच कर बताएं क्या करना है। उस्मान, उस्मान ये आखिरी मौका है। खड़ी हो, कहां भाग रही हो? इधर आओ। उस्मान जल्द से जल्द कालानोस के पास हाजिर हो। अगर तुमने खुद को हाजिर नहीं किया तो दुलदार की बेटी आयगुल का खूबसूरत सर काट डालेंगे। चलो। अगर तो इस काले को इनकी कब्र न बनाए मैंने, तो मुझे अर्तुरुल का फरसंद उस्मान मत कहना। आप बताएं करना क्या है। सर कलम करने का वक्त आ गया है। गद्दारों पर ये सर जमीन तंग कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे सरताज यूरोपोलोस सिर्फ रियासत के हाकिम ही नहीं थे, हम सबके मुहाफिज भी थे। लेकिन हम उनका कर्ज अदा नहीं कर पाए, उन्हें एक दर्दनाक मौत के हवाले कर डाला। उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। क्या अतराफ के इलाकों में सबको खबर हो गई है? सब कासिदों को रवाना कर दिया है। आज से उन तुर्कों के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है। किले के अतराफ मुहाफिजीन बढ़ा दो, और हर वो शख्स जो जंग के लिए तैयार हो उसे अपने साथ शामिल हो जाने की दावत दे दो। जब तक इन तुर्कों से अपने शौहर की मौत का इंतकाम नहीं लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। गौर से सुनो, आज से तुम मेरे मुहाफिज़े खास होगे। मेरे मुहाफिज़ के अलावा मैं तुम्हें अपने मुशीरे खास के तमाम इख्तियारात सौंपती हूं। मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। आप सब जा सकते हैं।
अब मुझे बताओ कालानूस, तुमने क्या समझकर ये किया? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि गीदड़ की तरह मेरे कबीले में आकर मेरी बेटी को अगवा करने की? मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार, तुम्हें मेरे गजब से कौन बचा पाएगा? हाँ, कौन बचा पाएगा? कमरे की दीवारें, लोहे के दरवाजे और दरवाजे पर पहरे देते सिपाही, हाँ कौन? मेरी बेटी को लाओ। औरन, आराम से दुंदार साहब, आप मेरे ही कले में मुझे धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे कले में नहीं, बल्कि अपने दोस्त योर्गो बोलोस के कले में। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कालानूस, धमकियां तो कमजोर लोग देते हैं। बाप की तरह थे मेरे लिए योर्गो बोलोस, इसी दोस्ती की वजह से तो आज वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। कमांडर, जो भी कहना है साफ कहो, ये फजूल बातें ना करो। उन्हें उस्मान ने मारा है, योर्गो बोलोस के दोस्त दुंदार साहब का भतीजा उस्मान। जब हम मुहायदे के लिए आए थे, अगर उस वक्त उस्मान हमारे साथ ना होता तो हाकिम उसी वक्त लाश बन चुका होता। उस्मान हाकिम की मौत के वक्त कले में मौजूद था। अगर वो बेकसूर है तो उसे सामने आकर साबित करना चाहिए। अगर हम चाहते तो आयगुल के साथ बहुत बुरा सलूक कर सकते थे। आयगुल को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो पूरे कले को आग लगा दूंगा, जला दूंगा। छोड़ दो मुझे। चलो चलो चलो। इंद्रियास, खातून को छोड़ दो। आयगल, मेरी चांद सी बेटी, ठीक हो ना? इन्होंने कुछ बुरा तो नहीं किया तुम्हारे साथ बेटा? ठीक हूं मैं बाबा। इन घटिया लोगों में मुझे छूने की जरूरत कहां से आई? अगर ये वाकई बहादुर होते, उस्मान पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने हाकिम के असल कातिलों को तलाश करते। उस्मान पर एतबार किया मैंने और मेरे शौहर ने, उसे वो मुकाम दिया जो किसी और को कभी नहीं दिया, और वही मेरे शौहर का कातिल निकला। आयगुल, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, तो सुन लो, अगर उस्मान यहां ना आया तो ना तुम, तुम्हारे बाबा या काई सरदार, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। कालानोस, हुक्म करें। उस्मान के यहां आने तक ये सब जिंदान में रहेंगे। तुमने बाज़ंतीनियों का गंदा चेहरा दिखा दिया सूफिया। उस्मान के बहाने तुम हाकिम के साथ किया गया मुआहदा तोड़ना चाहती हो? उस्मान इस कले में नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। पता चल गया कि तुम्हारी नियत उस्मान की नहीं मेरी थी। अगर हमें बाल बराबर भी तकलीफ पहुंची तो सारे तुर्क कबाइल तुम पर पूरे खाक की तरह सवार हो जाएंगे, समझ लो। जैसे तुम अपनी प्यारी बेटी के लिए इस जगह को जलाने को तैयार हो, उसी तरह मैं अपने बाप के खून के बदले में पूरे कबाइल को बर्बाद कर दूंगा। ले जाओ इन्हें यहां से, पकड़ लो इनको, किसी को ना छोड़ना। Oh, oh, oh.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा होगी। मेरे रब हमारे बहादुरों को दुश्मन पर फतह नसीब फरमाए। आमीन। कबीले में मौजूद तमाम खवातीन और सिपाहियों से जाकर कहो, जंग का तबल बजाएं, तैयार रहें, किसी भी लम्हे हरकत में आ सकते हैं। ज़ारा खातून, क्या हम भी जंग के लिए तैयार रहें? तुर्क खवातीन हैं हम। हमने अपने बहादुर मर्दों से जंगी महारत सीखी है। बहुत गरज रहे थे, अब खामोशी क्यों छा गई दुंदार साहब? आपको तो यकीन था कि उस्मान यहां नहीं है। खुद देख लीजिए, हमारे सिपाहियों के लिबास में खड़ा है। मैंने जो कहा वो कर दिखाया। उस्मान अपने कदमों पर चलकर मेरे सामने आया है। जो चलकर आया है तुम्हारी मौत का बुलावा है। जाने दो इन्हें, वरना हर कोई मरेगा। मेरे सरताज, कई सिपाहियों को मार चुके हो तुम, छोड़ो इंद्रियास को। इतना खून बहाने के बावजूद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैं उस्मान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, याद रहे। आप बेफिक्र रहिए दुंदार साहब, उस्मान पर मुकदमा आपकी ही अदालत में चलेगा। अदल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। फैसला करने का हक कई सरदारों को होगा। हमारी जंग खून बहाने के लिए नहीं, इंसाफ हासिल करने के लिए है। सोफिया, सही कह रही है तुम साहब। अगर हम भी इनकी जगह होते तो बिल्कुल ऐसा ही करते। बामसी साहब, आपको इल्म है कि आप ये क्या कर रहे हैं दुंदार साहब? उस्मान को लिए बगैर नहीं जाएंगे हम। मेरा दिल मुतमईन है, इंसाफ पसंद अदालत में ही हम तमाम लोगों की खैर होगी। बामसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इंद्रियास, दुंदार साहब को हथियार दे दो और बाहर तक छोड़ा, और इस मुजरिम उस्मान को काल कोठरी में डाल दो। उस्मान पकड़ा गया है कले में, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी।
जल्दी करो जल्दी, होने वाला है, बस खुली रखो आंखें। हाकिम को कत्ल तुमने किया है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैंने यूरोपोलिस की जब जान बचाई थी उस वक्त तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ था, कोई और नहीं हो सकता। जान बचाना भी खेल का हिस्सा था, इस सब के पीछे भी तुम तुर्क लोग हो। बस अब बताओ मुझे, तुम सिपाहियों के लिबास में हाकिम के कमरे में उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं यहां हाकिम और चचा पर हमलावर होने वालों की तलाश में आया था, लेकिन देर हो गई। तो फिर मैं उन्हें क्यों कत्ल करूंगा? उन्होंने सुलह कबूल की थी, जिसने कबूल नहीं की वो तुम थे, ऐसा नहीं है क्या? कत्ल तुम ही लोगों ने किया है, कोई और नहीं है कालानुस। हमारे हाकिम को क्यों कत्ल किया तुमने? ये कला तुम्हारा है और तुम हो इसके कमांडर कालानुस, याद रखो। तुम बताओ किसने किया? तुम्हें हाकिम का कत्ल करके कमरे से भागते हुए हमारे सिपाहियों ने देखा था। तुम गलत हो कालानुस, मैंने खुद देखा हाकिम को गिरते हुए। जब मैंने ऊपर देखा, साया एक नहीं दो थे। कैसा साया? यानी वो एक से ज्यादा थे? बिल्कुल। हाकिम अपनी गफलत की नजर हुआ। अगर कातिल उसके इतना करीब पहुंच सकते हैं तो यकीनन वो उसके अपने हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि गला घूंट कर मारा गया। बहुत हुआ, बकवास बंद करो अपनी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सच कह रहा हूं। कातिल मैं नहीं हूं। जो कुछ भी है मुकदमे में सब सामने आ जाएगा, और मैं बहुत ही खुशी से तुम्हारा सर जिस्म से जुदा कर दूंगा उस्मान साहब। दरवाजे बंद करो और किसी को अंदर आने मत देना।
मुझे बुलाया आपने? बिल्कुल सही सोचा आपने, उस्मान इसके बगैर जबान नहीं खोलेगा। उसके नाखून और दांत जड़ से उखेड़े जाएं, हड्डियों के अंदर तक तकलीफ महसूस करवाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस्मान इसके बाद भी जबान नहीं खोलेगा। इसके सिवा कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम उस्मान से मुकद्दस अमानतें वापस छीन लें, तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों से जा मिलेगा। उस्मान जैसे इंसान को तकलीफ से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उस्मान अदालत में पेश हुआ तो हाकिम की मौत मशकूक हो जाएगी। आप इजाजत ना दें। उस्मान अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं, जिंदान से फरार हो जाएगा। क्या उस्मान को हम फरार करेंगे? नहीं, उसे मदद की जरूरत नहीं। उस्मान जैसा अकलमंद शख्स बगैर एहतियात के खुद को किसी के हवाले नहीं करता। वैसे भी वो यहाँ अकेला नहीं है। उस खजाने को तन्हा चुराना मुमकिन ही नहीं था, यानी वो वारदात के लिए यहाँ अकेले नहीं आया था। इस पूरे जाल का सिरा ढूंढने के लिए और मुकद्दस अमानतें हिफाजत से हासिल करने के लिए जिंदान से भाग जाने में उसकी मदद करनी होगी हमें। हेलेन, इस काम के लिए फौरन थियोक्लेस को बुलाओ। ये काम वो ही कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये बात। अगर उस्मान उनके हाथों से बच गया तो आप याद रखिए, हमें मुकद्दस अमानतें कभी नहीं मिलेंगी। आका यानीस के गजब से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। बड़े से बड़ा खतरा मोल लेना होगा। हेलेन, जाओ, जो कहा है करो। जाओ, थियोक्लेस को बुलाओ। ये सारे मर्तबान दूसरों के साथ रख दो। हाकिम के कातिल का आखिरी खाना खंजीर का शोरबा होगा। मुझे हंसी आ रही है उस पे। शोरबे का बर्तन लाओ। थोड़ा और। गोश्त थोड़ा और डाले ताकि मरने से पहले अच्छा सा खाए। ये लो। क्या देख रहे हो तुम? वो कातिल मुसलमान है, वो ये नहीं खाएगा। इसी में तो मजा है। अपने काम से काम रखो। जाएगा तो वो जहन्नुम में ही। और कहां जाते हैं तुर्क? चलो तुम लोग अपना काम करो। निकलो। बुलाया हेलेन? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन सोफिया ने तुम्हारी ये हालत की थी। अगर चाहते हो कि दूसरी आंख बचे तो जो मैं कह रही हूं अच्छी तरह सुनो।
ऐसा सिपाही जिसके दिल में काई कबीले की इज्जत ना हो वो इस टोपी के बिल्कुल काबिल नहीं है। क्या फायदा उस तलवार का जो इज्जत और हया के लिए ना उठ सके। कोई जरूरत नहीं है इनकी। हमारे शहीद अब्बास भाई की मंगेतर और आइकुल को तुम्हारी अमानत में दिया, तुम लोगों ने क्या किया? क्या किया बोलो। अमानत की हिफाजत नहीं कर पाए। यहां तक कि मेरी बहन के अगवा का पता नहीं चल सका। काई कबीले का सिपाही हर वक्त शाहीन की तरह चौकन्ना रहता है। वो काई कबीले की इज्जत के लिए मौत से भी लड़ जाता है। जो अमानत की हिफाजत ना कर सके, इज्जत की हिफाजत ना कर सके, वो खुद को सिपाही कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पूरा हक दूंगा, तुम फिक्र ना करो। ठीक है ना दुंदार साहब, आप जान दे देते लेकिन उस्मान को वहां ना छोड़ते। क्यों छोड़ा है उसे? शाहीन कैद में नहीं रह सकते, परवाज कर जाएंगे। इन्हें आप ही बताएं बंसी साहब। बिल्कुल बताता हूं दुंदार साहब। जरा खातून, अगर उस्मान ना होता तो हम सब यहां वापस नहीं आ सकते थे। मंसूबा तैयार था। लेकिन जो कुछ भी है एहतियात से करेंगे। बंसी साहब, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या हम उस्मान के एहसानमंद होंगे? सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि आपकी, बाबा जान की, सामसा की, मेरी बहन की, सबकी जाने खतरे में डाल दें। ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर उस्मान अदालत से मुजरिम साबित हो गया तो, उसने वाकई हाकिम को कत्ल किया हो तो, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। बेहतर यही होगा उस्मान से हर चीज का हिसाब लिया जाए, और अगर अदालत में उस्मान पर जुर्म साबित हो गया तो हम सबको सलजोकी सुल्तान को जवाब देना होगा। बस करें भाईजान, बस। इतना बड़ा कबीला होकर भी उस्मान की मदद नहीं कर सके। बाजी कह रहे हैं, अब्बू भी कह रहे हैं, लेकिन उस्मान ने आपके वालिद और बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आइकुल बतूर, सही कह रहा है। अगर उस्मान मुजरिम साबित हुआ तो वो लोग आसानी से उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे दुंदार साहब? क्या डर के बैठ जाएं? दरअसल मसला बाजंतीनी नहीं है बामसी साहब। अगर बाजंतीन इस मसले पर हाथ डालता है तो मंगोल भी शामिल होंगे। बाबा जान को जल्द अज जल्द कबीले वापस आना होगा। इंशाल्लाह कोनिया में सुल्तान राजी हो जाएंगे।
तो ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? उस्मान साहब ये आखिरी खाना है, ले लो मजे। जिस खंजीर का सालन है ना, यही तुम्हें बिठा के सैर कराएगा।
अंदर आने वाला आखिरी शख्स कौन था? बताओ मुझे कौन था वो शख्स? हेलन। 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 दरवाजे बंद करो, उस बांड को पकड़ो, किसी सूरत जिंदा नहीं बचना चाहिए। सोफिया। काली जमीन, बताओ मुझे है काली जमीन, सुकून में है ना बहादुर? अपने वालिद से और अपने कबीले से दूर, चीज पर कादिर अल्लाह से ही दुआ है कि बुजदिली से बचाए और हफ्सा को जन्नत दे। ऐ रब, ईमान हमसे जुदा ना हो। आमीन कहने वालों को मौला की जियारत नसीब हो, अल्लाह की दी हुई उम्मीद खत्म ना हो। मेरे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुझे माफ कर। बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना मेरी जान। उस्मान तुम्हारा इंतकाम लेकर रहेगा। उस्मान नहीं छोड़ेगा तुम्हारे कातिलों को। तुम्हारा बस चले तो खाने का ज्यादा हिस्सा तुम रखो और बाकी हमें दे दो। तो अब हम सच की तरफ एक कदम और बढ़ चुके हैं। तमाम गिरहें वो लड़की ही खोल सकती है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल भाई, ठीक कहा आपने। उस्मान साहब की हिफाजत करो। कौन और सिपाही? अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पता चला कि आप गले में, आपसे मिलने चला आया। अच्छी तरह मैं जानता हूं तुम्हें, अगर मौत भी सामने होती तो भी चले आते। आ जाओ, कुछ खा लो। बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं।
बताओ काम पूरा हो गया? अल्लाह के फजल से जनाब। ये मिसिनिया में मौजूद तमाम कलों के खास नक्शे निकलवा कर लाया हूं मैं। माशाल्लाह। दीवारों के पीछे का फासला, पहरेदारों की तादाद, दीवारों की बुलंदी, हाथ में है सब। मैं उन्हें पकड़ लूंगा जनाब। मुझे बहुत फख्र है तुम पे कनौर सिपाही। बहुत शुक्रिया आपका। आज से हम जिहाद के नए मैदानों का रुख करेंगे और फतह की गई जमीनों को फतह करने वाले बहादुरों का नाम देंगे इंशाल्लाह। हर वो जगह जहां कदम पड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, वो जगह मजलूमों का साथ देने वाली अजीमुशान सल्तनत होगी। लेकिन पहले अपने भाई अब्बास का इंतकाम लेंगे। अब जो भी सामने आएगा कुचला जाएगा, चाहे वो सात सरों वाला अजदहा ही क्यों ना हो। बगैर आवाज के उस्मान जरूर यही होगा। सावर मिल गए, कोई हरकत नहीं करना, एहतियात से। को शिफा हो बाबा। शुक्रिया बेटी तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले के हालात और खराब हों, उस्मान को तलाश करके अदालत में पेश करना होगा, वरना बाज़ंतीनी सलजूकी सल्तनत पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि उसे ही कातिल माना जाए। देखते हैं मजीद क्या मुसीबतें लाता है। इजाजत है जनाब? आ जाओ। उस्मान साहब खैरियत से कले से निकल चुके हैं, उनका सिपाही बताने आया था। उस्मान का सिपाही अब कहां है? खबर देकर चला गया। बहादुर, उस्मान का सिपाही अगर यहाँ से करीब है तो उसका ताकुब करो। उस्मान जहां कहीं भी है तलाश करो उसे। से करीब होगा वो, उस पर घात लगानी होगी। हमेशा रहने वाली सांस अल्लाह की है। हक है अल्लाह। जरूर मरेगा।
तुम्हें मेरे पीछे। रुको 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 रुको, बता दो। बोलो। बता दो, रुक जाओ, बता दो, रुको। सोफिया, सोफिया, मलका सोफिया। तो इसे छुपा के रखना होगा। वरन, ले जाओ इसे यहां से। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, सोफिया ने आपके पीछे लोग क्यों भेजे हैं? क्योंकि वो जानती है कि उसके शौहर को मारने वाला मैं नहीं हूं। मसला ये भी नहीं है, बल्कि वो राहिबाएं हैं जिन्होंने मुझे बचाया। उसे राहिबाओं का पता तक नहीं है जनाब, अभी आपने कहा। राहिबाओं ने जो वहां जाकर किया, वो समझती है कि मेरा भी ताल्लुक है उससे। उसी वजह से उसने ये लोग सब भेजे मेरे पीछे। अगर राहिबाएं पकड़ी जाए तो बहुत सी कड़ियां खुल सकती हैं। सोचते थे उन्हें हमारे बारे में पता तक नहीं है, मगर वो तो हमारे घर तक आ घुसे। जनाब अली, कैसे खजाना मिला उन्हें? ये उस्मान से पता चलेगा। ले आओ मेरे पास। जनाब यानिस, सोफिया ने मुकद्दस अमानतों तक पहुंचने के लिए उस्मान को कैदखाने से फरार होने दिया। किसको भेजा है उस्मान के पीछे? शिकारी थ्यूक्लिस को। कहाँ है? उसे आपके आने का पता है जनाब, आने ही वाली होगी। आका यानीस को क्या वजाहत देंगे हम? पता नहीं, लेकिन आका यानीस बहुत गुस्से में होंगे। कहां जा रही हो सोफिया? तुम्हारा मंसूबा क्या है अब पता करने का वक्त आ गया है। Thank you.
उस्मान साहब। सिपाहियों, पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना। हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा, हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं। हैं उस्मान साहब, आप यहां तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए कौन है आप, आखिर क्या करने आई हैं यहां? आपको वाकई जानना है, मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी, हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ, अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए, अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आप चादरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। यानीस, मैं रास की हिफाजत नहीं कर पाई। आपके हाथ से सजा पाना सआदत होगी मेरे लिए। में भी वो हमारे अंदर घुस आए थे सोफिया, हमारे कनीसा में एक जासूस मौजूद है, पता करना होगा कि वो कौन है। ये कैसे हुआ? मैं यहाँ तुर्कों से मुकद्दस अमानतें वापस लेने आया हूँ, तुम्हारी जान लेने नहीं। सोफिया, क्या हो रहा है यहाँ? इंद्रियास, तुम यहां क्या कर रहे हो?
तुम तो मेरे सबसे मुखलिस आदमी थे, यहां पर क्या मंसूबे बना रहे हो? यहां क्या हो रहा है सोफिया? रुक जा, तलवार वापस नयाम में डालो, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अभी और इसी वक्त बताओ मुझे सोफिया, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सिपाहियों, सोफिया और इंद्रियास को गिरफ्तार कर लो। अपनी तलवार फेंक दे कालानोस। तलवार अभी नीचे। खुशामदीद निजामुद्दीन साहब। क्या बात है, काफी अरसे से महसूल अदा नहीं किया। बताइए मुझे, तो क्या इस दुकान के हकदार हैं आप? ये इतना बड़ा बाजार देख रहे हैं, अगर मैं यहां से महसूल वक्त पर ना लूं तो यहां का निजाम कैसे चलेगा? वजाहत की जरूरत नहीं। अगर कल तक महसूल नहीं तो दुकान भी नहीं। जाननी है ना आपको उस्मान साहब, तशरीफ लाइए। आप जान जाएंगी कि सच क्या है। आपके सवालों के जवाब हमारे अमीर ही आपको दे सकते हैं। कौन है आपका अमीर? चंद ही कदम की दूरी पे
दरवाजा खोलिए और देख लीजिए। किससे मिल रहा हूं जानना चाहता हूं। हम हक के रास्ते के गरीब मुसाफिर हैं। ईमान हमारे कानों में हमारे नामों की तरह फूंका गया है। लोग मुझे अदाबाली कहते हैं। अदाबाली? मेरे बाबा के दोस्त ओज की रोशनी अदाबाली। खुशकिस्मत हो कि मुझे आपका दीदार नसीब हुआ। शुक्र है उस परवरदिगार का। भेड़िए की खाल पहनने वाला सरदार किसी के सामने नहीं झुकता। बहनों की अमीर, और जो इनके साथ थी वो गुंजा है मेरी बेटी की सहेली राहिब दरुसोन। हमारे मुरीदों में से है, कोई और नहीं। जैसा यहां नजर आता है वैसा है नहीं बेटा। काले से सफेद और सफेद से काला हो सकता है कि अक्ल की हिकमत से बाहर निकल जाए। हिकमत आप जैसे अजीम लोग जानते हैं। मुझे तो अपने भाई के कातिलों की तलाश है। मालूम को जिंदा रखने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आह ज़ालिम दुनिया। ये खास तलवार आपके लिए है बहादुर साहब। सारा जहां इकट्ठा क्यों ना हो जाए तो भी आपकी कलाई नहीं मोड़ सकता। जंग में अगर इसने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, समझे?
देखते हैं अब ये क्या करने वाले हैं। सब झूठ था। कालानोस, मेरी बात सुनो। लानत हो तुम पर। ठहरो। तुम कौन हो? सल्तनत की साबिका शान शौकत के साथ बहाली और कुस्तुनतुनिया में आया सूफिया की हिफाजत की कसम खाई है हमने। मुझे बताओ तुम कौन हो? यानिस, जोगी यानिस। मैं सेरिस में मार्गरेट कनीसा का सच्चा खिदमत गुजार हूं। यहां मौजूद तमाम लोग कनीसा की जानिब से गुलूजा हिसार के मुहाफिज हैं। गुलूजा हिसार हमारे जेर तसल्लुत कलों में से एक है। बहुत से दीगर कले भी अपने कमांडरों, सिपाहियों, हत्ता के अपने गवर्नरों समेत हमारे जेर असर है। सोफिया, और तुम? तुर्कों से नफरत करने वाली और आका यानिस की आखिरी दम तक अतात करने वाली एक औरत। वो मजबूर औरत हूं मैं, जो इस वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार तक ना कर सकी। मैं तुम जैसे कमांडर को हमारे साथ शामिल होने, हमारी कुव्वत में इजाफा करने और अपने खून के आखिरी कतरे तक हमारे साथ तुर्कों के खिलाफ जंग करने की तुम्हें पेशकश करता हूं। तो बताइए, कले में दाखिल होने का मकसद क्या था? बाहर से कोई तो खुफिया चीज हासिल करने गए होंगे। क्या वो कोई खजाना था? तुम जानते हो उस्मान, वो खजाना था, लेकिन वो खजाना ना हमने चुराया और ना ही गसब किया। अल्लाह की नायत और मदद से हमने अपनी चीज हासिल की, तमाम खजाना अखी बिरादरी का है। अखी बरादरी को जानता हूं मैं, मंगोलों के खिलाफ उनकी मजाहमत से वाकिफ हूं, लेकिन उन्हें समझना चाहता हूं। अता वाले, कले में मौजूद लोग आपके दुश्मन क्यों हैं? खजाना उनके पास होने की वजह क्या थी? कले में क्या हुआ था? आपकी बेटी बाला और साथी दुरसून वहां क्या कर रहे थे? बितिनिया पर राज करने वाली एक जालिम हुकूमत हर जगह सरहियत कर चुकी है, हर कूचे में। एक जानिब देखो, वो अपने अफकार के साथ हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी जानिब
पसंदीदा अफराद के साथ हुकूमत कर रहे हैं। चाहते क्या है, मकसद क्या है उन मालूनों का? वो हम में मौजूद आलम निजाम की रोशनी को हम पर मुसलत करदा तारीकी से हमें दबाना चाहते हैं मेरे बेटे। वो तुर्कों को इस सरजमीन से निकाल कर बाज़ंतनी रूह का सरनो आता चाहते हैं। अखी बिरादरी नहीं झुकने वाली, वो ये भी जानते हैं। हमारे सामने रुकावट बनने के लिए उन्होंने अखी बिरादरी का खजाना चुरा लिया था। देखो बेटा, इक्तसादी बर्बादी की जानिब हमें धकेलना चाहते हैं वो। हाकिम यूरोपोलस को कत्ल करके कले पर कब्जा करने वाली सोफिया भी वहां पर उनकी नुमाइंदा है। जिन लोगों ने आपका खजाना चुराया, जैसा कि आपने बताया, वो कोई आम कुव्वतें नहीं है दबाले। सिराते हक पर चलने वालों की पुश्त पर हमेशा सबसे अजीम कुव्वत कार फरमा होती है बेटा। हम ना तो परेशान हैं और ना ही खौफजदा हैं, क्योंकि हम जानते हैं और ईमान रखते हैं कि कुफर के तमाम लश्कर भी जमा हो जाएं, तब भी हकीकत को पना देने के लिए एक गारे हिरा मौजूद होता है। आपकी बातों ने मेरा लहू गरमा दिया। इससे तो साफ जाहिर है, मसाइब से निमटने के लिए अगर तो कुछ लाजमी है तो वो है देहात और एक ताकतवर कयादत जिसे कोई कभी मात ना दे सके। बल्कि हमें चाहिए अब एक रियासत। वो ऐसी रियासत होनी चाहिए कि आदल को असर नो जिंदा और जावेद रखे, आलम इस्लाम को राहत पहुंचाए, जालिम उसके खौफ से लरज उठे और अखलाक उसकी पहचान हो। परेशान न हो कमांडर कालानोस, बस ये जवाब दो, हमारे साथ हो? इनकार करूं तो? क्या मुझे मार दोगे? किसी ऐसे रोमी कमांडर को जो तुर्कों से नफरत न करता हो, उसे जीने का हक नहीं है कालानोस। हम एक बड़ी मुकद्दस राह में निकले हैं और हमारे दुश्मन इस कदर करीब हैं कि मकासिद से भरे हमारे कल्ब में जर्रा बराबर भी रहम की गुंजाइश नहीं। कौन है ये दुश्मन? शेख अदावाली और अखी बिरादरी। एक बूढ़ा शेख और मुट्ठी भर अखी बिरादरी। हैरान हूं कि उन लोगों ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया जोगी आनिस। तुम उन्हें नहीं जानते कालानोस। शेख अदावाली तुर्कों की रूह है जिस पर कब्जा करना मुमकिन नहीं। मंगोल भी अखी बिरादरी का मुकाबला न कर पाए। जहां हम कहते हैं कि वो खत्म हो गए, वहां वो नए सिरे से जिंदा हो जाते हैं। तो बताएं फिर आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तुम जैसे जाबाज जवानों की मदद से जो अपने मकसद की राह में जान दे भी सकते हैं। हम रूमियों का एक कदीम मकूला है, जो शिकार के लिए निकलता है उसे कुल्हाड़ा तेज रखना चाहिए। अगर हम अपने कुल्हाड़े तेज नहीं करेंगे तो तुर्कों को नहीं रोक सकेंगे, और अगर हम उन्हें न रोक सके तो शेख अदाबाली और अखी बिरादरी और सूबे के गाजियों, जंगजुओं और खवातीन के साथ ऐसा इत्तेहाद कायम करेंगे जो कि हमारे लिए कयामत साबित होगी। अब मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं कमांडर कालानोस, क्या तुम गद्दार के तौर पर याद किए जाना चाहते हो या तुर्कों की पेशकदमी रोक देने वाले बहादुर के तौर पर? इस मुकद्दस राह पर
साथ हूं आपके मैं। चुप कर जाओ, चुप। उस्मान साहब को तुम्हारी जरूरत ना होती, तुम्हारी खाल खींच लेता मैं। जो जानता था बता दिया, छोड़ दो मुझे। बंद करो, अपना खामोश हो जाओ। खोलो, 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 खोल। बेवकूफी करने की कोशिश नहीं करना। Yeah!
एक सवाल एक जवाब, कौन हो तुम? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल रहे कि एक तहवाले और दो तहवाले अलग अलग होने चाहिए, और ये याद रखना कि बलूत और कूफी वाले अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, इन्हें इस हालत में फरोख्त करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जो हुक्म बाला खातून, जैसा आप कहें। ये भी अभी बाजार ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है। गरीबों में ये जूते तकसीम कर देना सवाब का काम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की, और अदब से इकदार की हिफाजत करते हैं। तुर्क इकदार का जिम्मा सबसे पहले औरत के कंधे पर है, ऐसा कहना है अम्मा हैमा का। आपको देखा तो यकीन हो गया कि वो बिल्कुल बरहक थी। बाला खातून, आपकी घोड़ी। क्या हुआ लाचा को? वो ठीक नहीं लग रही, जल्दी चलिए।